हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये मेरे दिल के बहुत ही पास है। जब मैं आगरा में रहती थी तो ये मोस्टली मैं पेटीज हम लोग अक्सर जैसे बर्थडे है या हमें छोटी मोटी भूख लगती थी तो हम उस टाइम पर इन पेटीज को खाया करते थे। उस समय ये पनीर पेटीज 10 रुपए की आती थी और जबकि ये आलू वाली पेटीज 4 या 5 रुपए की आती थी। तो वो दिन याद करते हुए आज मैंने सोच ही लिया कि आज मुझे मैं तो पेटीज बनाकर ही रहूँगी, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को मन से सोच रहे हों और उसका विचार अचानक से आपके दिमाग में आ जाए तो उसे बनाना तो बनता ही है। तो उस समय तो ये वहाँ पर हर जगह ये इतना मिलता था और हम इसे बड़े अच्छे से खाते भी थे। हम लोग छोटी छोटी पार्टीज़ भी इन्हीं पेटीज के साथ करते थे। तो आज मैं इसे दो तरीके से ही बना रही हूँ, एक पनीर वाली बना रही हूँ और एक यहाँ पर आलू वाली बना रही हूँ। कोशिश मैं पूरी करूँगी कि मैं उस तरीके का ही फ्लेवर दूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बहुत फाइन यानि कि बहुत छोटा छोटा यहाँ पर क्यूब में पनीर कट कर लिया है। अब उसमें मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी, जैसे कि यहाँ पर मैं वेज मेयोनीज जो रेडीमेड मार्केट में मिलती है मैं उसे ऐड कर दूँगी। यहाँ 2 से 3 टेबल स्पून ले रही हूँ और उसे अच्छे से पनीर के साथ कोट कर देंगे। अब यहाँ पर मैं कटा हुआ हरी मिर्च और प्याज डाल दूँगी, साथ ही इसमें मैं सफ़ेद तिल और लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा मैं स्पाइसी रखना चाहती हूँ और थोड़ा सा स्वीटनेस, तो वेज मेयोनीज का टेस्ट तो होता ही है अच्छा, तो इसलिए थोड़ा सा अलग टेस्ट देने के लिए मैं ये सब ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारी ये स्टफिंग तैयार हो गई है, अब हम इसे साइड में रख देते हैं। यहाँ पर मैं आलू की स्टफिंग तैयार करती हूँ। तो ये आलू मैंने पहले से ही बॉईल कर रखे थे, तो यहाँ पर मैंने छील लिए हैं। अब मैं यहाँ पर इनका तड़का लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में तेल ले लिया है और यहाँ पर सरसों डाल दी है। जैसे चटक जाएगी तो हम कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च इसके साथ डाल देंगे। इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से हम भून लेना है। तो जैसे ही भून जाएगा फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। जैसे सबसे पहले हम हल्दी यहाँ पर ऐड करेंगे और हल्दी को अच्छे से भूनने के बाद इसमें हम कटे हुए जो उबले हुए आलू हैं उन्हें हाथ से थोड़ा सा फोड़ कर इसमें ऐड करेंगे और सभी को अच्छे से मिला लेंगे। तो फिर उसके बाद हम कुछ मसाले इसमें और ऐड करेंगे, जैसे कि धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और यहाँ पर मैं अमचूर पाउडर भी ऐड करूँगी। तो सभी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रखें। तो यहाँ पर मैं उसी टेस्ट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सारी चीज़ें डाल रही हूँ और यहाँ पर हम इस स्टफिंग को इस तरीके से तैयार कर लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। तो यहाँ पर मैं हरा धनिया नहीं डाल रही हूँ क्योंकि जब हम भी खाते थे तो हरा धनिया उसके अंदर नहीं होता था, तो इसलिए मैंने हरा धनिया को यहाँ पर स्किप किया है। अगर आप पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं रेडी करने के बाद इन्हें साइड में रख दूंगी। अब यहाँ पर मैं इसका आटा लगा लेती हूँ। एक प्लेट में मैंने निकाल कर ठंडा होने रख दिया है। अब यहाँ पर मैं इसका आटा लगा लेती हूँ। तो एक परात में मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया है। तो मैदा ये 1 से 1.5 कटोरी के अराउंड है, इससे लगभग 4 पेटीज आराम से बन जाएंगी। तो अब मैं इसमें मोयन डाल दूँगी। तो मोयन कम से कम ये 1/2 कप के अराउंड है और अच्छे से हम इसे मोयन के साथ मिला लेंगे और हम चेक करेंगे कि हमारा मोयन बिल्कुल सही है कि नहीं। वैसे ये 1/2 कप इतना काफ़ी सफिशियंट है और मोयन काफ़ी अच्छा डला है। अब इसमें मैं स्वादानुसार नमक थोड़ा सा डाल दूंगी और साथ ही इसमें अजवाइन भी ऐड करूंगी। सभी को अच्छे से मिलाने के बाद मैं पानी की सहायता से एक सॉफ़्ट डो तैयार कर लूंगी, यानि कि बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट नहीं होना है। पूड़ी से हल्का सा सॉफ़्ट और रोटी से हल्का सा टाइट हमें यहाँ पर डो तैयार करना है और हम इसे अच्छे से थोड़ी से 5 से 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर छोड़ देंगे। Thank you.
5 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर इसकी छोटी छोटी पूड़ी के साइज की बॉल्स यहाँ पर रेडी कर लेंगे और हम यहाँ पर इन सभी को अच्छे से लोई बना लेंगे। तो यहाँ पर ये सब रेडी हो गया है, हम इसे साइड में रखेंगे। तो यहाँ पर इसके लिए हम एक यानि कि घोल टाइप का बना लेंगे, जैसे सिलेरी बनाते हैं उस तरीके से। तो मैंने एक बाउल में यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून मैदा ले लिया है। अब इसमें 1 से 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैं ये रिफाइंड या घी आप ऐड करेंगे या फिर बटर भी आप यूज कर सकते हैं, और इन्हें अच्छे से हम यहाँ पर मिला लेंगे। तो मैं तो यहाँ भी रिफाइंड यूज कर रही हूँ, वो भी राइस ब्रान ऑयल, और इसे अच्छे से हम सभी को मिला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरीके से हो गया है। अगर आपको थोड़ा सा जग कम लग रहा हो तो आप इसमें और भी रिफाइंड या बटर डाल सकते हैं। इसे हम साइड में रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक इस तरीके से लोई ले ली है, और हमें इसे पतला पतला रोटी की तरह बेल लेना है। जितना हो सके आप इसे बड़ा करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर मैं 4 ही लेयर बना रही हूँ। वैसे जब ये हम पेटीज खाते थे तो उसमें काफ़ी लेयर होती थी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद 8 की समथिंग तो लेयर होती ही थी। तो मैं उतनी तो लेयर नहीं बना रही हूँ, पर हाँ आप जब भी कभी ट्राई करें तो लेयर ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जितनी लेयर होंगी उतना ही ये टेस्टी भी होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं तो थोड़ी कम ही लेयर रख रही हूँ नाम के लिए, और ये ऐसे भी कभी आपको इंस्टेंट खाने का मन हो तो आप इस तरीके से बनाकर खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी को रेडी कर लिया है। तो मैंने सबसे पहली जो पूड़ी है उसको ले लिया है, और इसके ऊपर ये डो यानि कि जो मैंने सिलेरी टाइप का बनाया था इसको अच्छे से हम फैला देंगे। अब इसके ऊपर मुझे जो मैदा है उसे स्प्रिंकल करना था, पर मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम मैं भूल गई, एकदम से दिमाग से निकल गया और मैं एक के ऊपर एक इस तरीके से लगा दी गई। पर आप ज़रूर ध्यान रखें, फिर मैंने जो सेकंड बनाया था उसमें मुझे याद आ गया कि मैंने शायद कुछ गड़बड़ कर दिया। जब मैंने दूसरा वाला बनाया था तो मैंने उसमें ये गड़बड़ नहीं करी, और फिर मैंने उसे उसी तरीके से बनाया जिस तरीके से ये बनता है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं 4 ही लेयर बना रही हूँ। आप जब भी बनाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा लेयर रखें तो ये उतना ही टेस्टी लगता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने सभी के ऊपर रख लिया है, और फिर लास्ट में थोड़ा सा मैंने मैदे की डस्टिंग करके इन्हें अच्छा सा पटे की साइज का इन्हें अच्छे से बेल लिया है। तो आप हो सके तो जितना अच्छा बेल बड़ा बेलें उतना ही बेटर है, तो ये उतना ही अच्छा लगेगा देखने में भी और खाने में भी क्रिस्पी हो जाएगा। तो देख इस तरीके से मैंने इसे बेल कर रेडी कर लिया है, और इसके मैं किनारे को भी कट कर लूँगी। तो क्योंकि मैं इसे सिर्फ पहले ट्रायंगल शेप में ही बना रही हूँ, बाद में मैं रेक्टेंगल शेप दूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे इस तरीके से कर लिया और इसके किनारों को कट कर लिया है। तो किनारों को कट करके मैं यहाँ पर वेस्ट नहीं करूँगी, इन्हें लास्ट में मैं कट करके तो इसे एक नमकीन पारे की तरह यानि कि नमक पारे रेडी कर लूँगी। तो ये भी हमारे साथ चाय के साथ खाने वाला एक स्नैक्स तैयार हो जाएगा, वही हिसाब हो जाएगा जैसे आम के आम और गुठलियों के दाम। तो हम यहाँ पर पेटीज भी खाएंगे और साथ में नमक पारे का भी इंजॉय करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसके किनारे कट कर दिए हैं और इस तरीके से इसे एक स्क्वायर शेप दिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पनीर वाली बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने सेंटर में इस तरीके से पनीर फैला दिया है। तो आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग फैलाएं जब भी बनाएं, और सच बताऊं ये बहुत ही टेस्टी लगाना था, और हमने तो इस तरीके से टेस्ट भी किया था और इतना यमी लग रहा था कि मानो आज मैंने गलती कर दी, सिर्फ 2 या 3 ही बनाकर मुझे ज़्यादा बनाना था। तो मैंने जल्दबाजी में सिर्फ थोड़ा ही मैदा लेके और यहाँ पर आज ट्राई किया था ये, क्योंकि मैं हमेशा ये मार्केट का ही खाया है मैंने, तो कभी घर पर ये ट्राई नहीं किया था। आज मैंने पहली बार इसे घर पर बनाया है और ये वाकई में काफ़ी अच्छा बना है। एक
एक कढ़ाई में मैंने पहले से ही तेल गरम करने रख दिया। तो यहाँ पर तेल मैं मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल या फिर कोई भी आप तेल यूज कर सकते हैं जो आपको पसंद है। और ये ऑलरेडी गरम हो चुका है, अब हम इसमें इस पेटीज को डाल देंगे और दोनों तरफ हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक धीमी आँच पर सेक लेंगे, क्योंकि इसमें चार लेयर हैं, तो ये चार लेयर धीरे धीरे इसे क्रंची होने में टाइम लगेगा, तो इसलिए हम इसे धीमी आँच पर ही अच्छे से सेकेंगे। तो तब तक हम दूसरी रेडी कर लेते हैं जब तक ये सिक रही है। सेम प्रोसेस से मैंने यहाँ पर दूसरी भी पेटिश तैयार कर ली है, और इसी तरीके से मैंने एक नहीं यहाँ पर चार पेटिश बना ली हैं, दो ट्रायंगल शेप में और दो रेक्टेंगल शेप में। तो ये इस तरीके से सभी रेडी कर ली है, अब हम यहाँ पर इन्हें एक एक करके फ्राई कर लेंगे। अब ये पेटिश तैयार हो गई हैं, अब मैं अपनी बच्चियों को देने जा रही हूँ और उनका रिव्यू भी मैं आपको बताती हूँ।
तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इन्हें बनाया और मेरे बच्चों को बहुत अच्छी लगी दोनों ही पेटीज़। वो इस वजह से फिर मैंने झट से अगली दो पेटीज़ भी बनाकर तैयार कर ली क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। हाँ, यहाँ पर मैंने आलू की जो स्टफिंग जो है वो थोड़ी ज़्यादा डाली है, आप चाहें तो कम कर सकते हैं और लेयर आप ज़्यादा बनाइए। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।